रहता है, गोवा में ह्यूमिड है तो यहाँ पर सिर्फ कोको पाउडर बनाते हैं चॉकलेट से। छोटे छोटे पत्तों वाला लंबा सा, उसके ऊपर वो बीच में नींबू जैसे फ्रूट लटक रहे देख सकते हो। यस, यहाँ पर तीन है अंदर है, वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं। अभी सीजन स्टार्ट हो गया है, जब ये तैयार होगा ना इसे अपने आप फट जाएगा और उसमें से हमें दो मसाले मिलेंगे, वो है जायफल और जावित्री। जो फल का नट रहता है ना वो जायफल रहता है, वही जायफल ना इसे जावित्री उसको पकड़ के रहते हैं। तो दो मसाले एक ही पेड़ से होता है अपने, वो गठिया से ना जो डिसीज होता है, गठिया गाठ यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ता है ना, इसे जॉइंट्स में सिक्रेट होकर रेड रेड स्ट्रिप्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक पूरा जायफल पाउडर, हाफ लेमन जूस और जिंजर, तीनों को अच्छे से क्रश करके ना उसका पेस्ट होगा वो आपको अफेक्टेड एरिया पर लगाना है, आपका जो गाउट है वो निकल जाएगा। ओके, जायफल जावित्री देख रहे ना, वेरी कॉमन स्पाइस हल्दी, हियर यू कैन सी टर्मरिक। ओके, जब ये तैयार होगा ना तो पेड़ अपने आप मर जाता है, यू कैन सी ऑलरेडी मरने लगा। ऐसे पता चलता है कि हल्दी तैयार हो गया हार्वेस्टिंग के लिए, तो उसको सबसे पहले आपको निकाल कर बॉयल करना है, क्योंकि जब ये कच्चा रहता है ना उसके अंदर कुरकुमिन रहता है, इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। आपने सुना रहेगा कच्चा हल्दी का सब्जी भी बनाते हैं, लेकिन उसमें आपको ना बहुत कुछ डालना पड़ता है उसको न्यूट्रल करने के लिए। जब कच्चा ही खाया ना तो आपको मुँह सूज जाएगा, तो उसके लिए आपको पहले उसको निकाल कर बॉयल करके ड्राई करना है, और बाद में जो पाउडर होता है आपका टर्मरिक पाउडर, विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल स्पाइस। ओके, और ये बेल देख रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर बेरीज लगे देख सकते हो, पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च, ओके, ब्लैक पेपर, कितने कलर के पेपर देखे आपने वहाँ, देखो ना रे जो काली मिर्च रहता है, आई डोंट नो, देख बोल दीजिए कौन से कौन से पेपर देखे आपने, मेरी आँखी थी पहले कलर, काली, ओके सर, वाइट भी देखा, ओके, हमारे यहाँ चार कलर है, एक ब्लैक, ग्रीन, रेड और वाइट, और चारों जो होता है ना वो एक ही पेड़ से होता है, उसका सिर्फ प्रोसेस अलग अलग रहता है। पहले ग्रीन होगा, दिसंबर जनवरी तक रेड हो जाएगा, रेड को निकाल कर धूप में सुखाया तो सबसे तेज वाला ब्लैक पेपर मिलेगा, रेड को निकाल कर पानी में बॉयल किया ना तो आपको सबसे माइल्ड वाला वाइट पेपर मिलेगा। अगर आपको ग्रीन या रेड कलर का सूखा हुआ पेपर चाहिए तो उसी कलर का निकाल कर उसको सॉल्ट नहीं तो विनेगर में डाल के रख लीजिए वाटर में, बाद में सुखा दीजिए, वो ग्रीन का ग्रीन रेड का रेडी रहेगा। तो चारों जो एक ही पेड़ से होता है, सिर्फ प्रोसेस और टेस्ट अलग अलग रहेगा, जो मैंने आपको बोला वाइट वाला सबसे कम तीखा, रेड ग्रीन आपके ऊपर डिपेंड है, सॉल्ट में रखा तो सॉल्ट विथ स्पाइसी, विनेगर में सावरी विथ स्पाइसी, और वाइट वाला सबसे माइल्ड, ब्लैक वाला सबसे स्ट्रॉन्ग वे। काली मिर्च वाला देखिए ना, ये वाली ये है काली मिर्च, ओके। अभी सब लोग ये पतला वाला लंबा सा पेड़ देख रहे हो, ये लॉन्ग का पेड़ है, लविंग लो, ये पत्ता है, मैम क्रश इट प्रॉपरली, स्मेल एंड पास इट बैक, लॉन्ग लविंग पास इट बैक वंस यू स्मेल, ये नहीं ये है, ओके, दिस वाला, ये वाला पतला वाला लॉन्ग का पेड़ ऐसा ही रहता है, और लॉन्ग जो होता है ना इसका सीजन अभी स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर जनवरी में, क्योंकि उसको विंटर लगता है, साउथ इंडियन विंटर, और लॉन्ग जो होता है ना वो फ्रूट भी नहीं था, फ्लावर भी नहीं था, फ्लावर बड कली होती है, उससे ही है। यहाँ पर ये देख लीजिए पेड़ जो है वो अलग है, उसको ना ये देख लीजिए बड होता है और ये फूल होता है ना, तो आपको इस स्टेज पर उसको निकालना पड़ता है, ऐसे आते सेम ऐसे आते, वो बहुत सारे ना एक ही जगह पर आएंगे, उसको उसको फ्लावर होने से पहले आपको निकाल कर सुखा कर बेचते हैं, और दो कलर के मिलेंगे, एक होता है ब्लैक दूसरा होता है ब्राउन, आप कौन सा कलर यूज करते हो, आई डोंट नो, ब्राउन, ओके, आई डोंट नो, क्योंकि अगर ब्राउन मिला ना वेरी लकी, क्योंकि वो ओरिजिनली ब्राउन होता है, उसके अंदर एक तेल होता है, जब वो उसको ना स्टीम करके तेल एक्सट्रैक्ट करके सुखा हुआ आपको ब्लैक वाला देते हैं, तो जब भी पॉसिबल हो हमेशा आपको ब्राउन के लिए जाना है, वो विथ ऑयल रहेगा, आप चेक कर लीजिए, एक लॉन्ग लेकिन ऐसे नाखून से प्रेस कर लीजिए, अगर उसमें तेल रहा ना वो डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं आया तो सूखा होगा वो उड़ा ये बात।
ओके लॉन्ग पर आप देख सकते हो ये चिली, लेकिन आपकी नॉर्मल चिली नहीं है, इसका नाम ना पेरी पेरी है, चिली है ना पेरी पेरी, पेरी पेरी सॉस, चिकन, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पेरी पेरी चिली। इसका जो ओरिजिन है ना ये साउथ अफ्रीका से है, मोजम्बिक। जब पुर्तगाली लोगों ने गोवा पर रूल किया था तो उन्होंने फर्स्ट टाइम गोवा में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अभी वो सब जगह पर है कोस्टल रीजन पे। इसका सबसे बड़ा जो साइज रहता है ना वो यही होता है, ये मैक्सिमम साइज होता है उसका, एक या दो सेंटीमीटर। यू कैन सी हियर जो ऑलरेडी रेड हो चुका है ये वाला, ओके। लेकिन ये चिली जो है ना 2800 गुना स्पाइसी रहता है आपके नॉर्मल चिली से। किसी को ट्राई करना है? नो, अगर किसी को ट्राई नहीं करना है ना, सो वी लाइक टू सर्व पापड़, लंच पर आपको पापड़ मिलेगा वो इस चिले से बने होंगे, ट्राई कर लीजिए। इट इज वेरी गुड फॉर, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है ना उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। और दूसरा जो होता है लैक ऑफ सलाइवेशन प्रॉब्लम, जैसे सुना होगा जैसे से एज बढ़ते है ना मुंह में पानी आना बंद हो जाता है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तीसरा जो मेन जो रहता है ना, अगर आपको एलर्जी वगैरह है, स्किन एलर्जी, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है चिली, राइट? काजू सब पहली बार गोवा में, यस यू नो व्हाई गोवा इज फेमस, काजू, यस एंड काजू, और काजू से बनी शराब, इसको काजू फैली बोलते हैं, ओके। सो ये उसका प्रोसेसिंग यूनिट है। और काजू जो होता है ना वो फ्रूट होता है, और वो सीजनल फ्रूट होता है, इसीलिए वो सिर्फ आपको समर में मिलेगा, वो है मार्च अप्रैल में, सिर्फ 3 महीना मिलता है। ये समर जैसा दिखता है लेकिन विंटर है हमारा, जस्ट थिंक अबाउट समर, ओके। तो अगर आपने कभी फल नहीं देखा ना, तो ये देख लीजिए जो बीच में लटक रहे हैं कलरफुल डमी है, वो साबुन के, साबुन के शेप, साबुन है वो काजू के शेप में रखा हुआ है। और ये जो फ्रूट होता है ना, दुनिया का एक ही फ्रूट होगा जिसका नट बाहर होता है आफ्टर स्ट्रॉबेरी, और जो एक काजू होता है ना, एक फल एक ही नट देता है, इसलिए काजू महंगे रहते हैं। तो जो काजू हम लोग खाते हैं ना वो नट के अंदर रहता है, लेकिन वो जो शेल होता है ना, ग्रे कलर का शेल दिख रहा है ना आपको, उसमें एसिड रहता है, एनाकाडिक नाम का एसिड, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो कच्चा ही खाया ना तो मुंह गला पेट जला सकते हैं। सो उसके लिए आपको ना सबसे पहले उसको रोस्ट करना है, रोस्ट करके तोड़ कर अंदर आपको काजू मिलेगा जो खाना है। जो दारू जो बनता है ना वो ऊपर के फ्रूट से बनता है, नट से नहीं, और वो फ्रूट जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, उसमें कुछ एसिड वगैरह नहीं रहता। तो उसको सबसे पहले लोग क्या करते थे, पहले निकाल के ना उसको पैरों से क्रश करते थे, लेकिन अभी वो हाइजीन को मायने रखते हुए दे लाइक टू यूज क्रशर, क्रश करके जूस निकाल कर उसको सड़ाया जाता है 5 से 6 दिन के लिए नेचुरली। फर्मेंटेशन के बाद वो डिस्टिलरी है, जो ढक के रखा है ना वो बॉयलर है, और जो टैंक दिख रहा है वो कंडेंसर, उसके अंदर पाइप गया देख सकते हो, वैसे कॉयल होके ना उधर बाहर आ रहा है, वहाँ पर कंडेंस होता है, जो वेपर होता है उस पाइप से थ्रू पास होके वहाँ पर लिक्विड में मिलेगा। उसको ना 2 बार डिस्टिल करते हैं, जो पहला जो होता है ना उसको अर्क बोलते हैं, हुर्राक बोलते हैं, उसको जंगल जूस को हिंदी में पहली धार भी बोला जाता है। उसमें 10 से 12% अल्कोहल रहता है, सीजनल रहेगा वो मार्च अप्रैल में, 3 महीना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, उसके बाद ना उसका टेस्ट अलग होता है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जब वो अर्क मिलता है ना वो 50% लेते हैं, 50% सड़ा हुआ जूस, दोनों को मिक्स करके दूसरी बार डिस्टिल करते हैं। जब दूसरा लिक्विड मिलता है वो आपका काजू फैनी, उसमें अल्कोहल परसेंटेज रहेगा 40-45%, थोड़ी मात्रा में पिया जैसे कि 10-20 ml, सर्दी जुकाम के लिए अच्छा रहेगा, पेट दर्द के लिए अच्छा रहेगा, और एज अ एपेटाइजर का भी काम करता है। जैसे कि सडनली क्लाइमेट चेंज हुआ, ओवरवर्क हुआ, तो आपको भूख नहीं लगती, तो भूख रिक्रिएट करने के लिए यू कैन हैव इट 30 ml, उसके ज़्यादा लिया ना वो भी खाने के लिए नहीं पाओगे। अगर किसी को चाहिए ना टेस्ट करने के लिए तो बोल देना, वी लाइक टू सर्व यर कॉम्प्लीमेंट्री, आपको थोड़ा थोड़ा देते हैं लंच से पहले एज अ एपेटाइजर, चाहिए तो बोल देना, आई विल गिव यू, ओके। Thank you.
ट्राई टू गेस द नेम, अगर नाम बोला ना तो दो पैक दूंगा खेलने का। हला ला ला सर डोंट वरी, इधर दे दो भैया। टच टच नहीं है वो, लेकिन टैग नहीं मांगे क्या? नाम ना वसु के बारे में। अरे तो इसमें जाना पैसा नाम केवल दास ना तदा जी एक जगह हम भेजो। टच नहीं है यार, टच नहीं है। ना ना ना, ये नहीं नहीं बेटा, ये नहीं। नाम दास जी टच सेम होता है ना, वो एक ही है। दास जी ने वो लोग गुजरात गुजरात ना वो टच बोलते हैं। हां तब तक बोलते नो इट्स नॉट लेमन की स्मेल आती है। हां हां नो फर्स्ट टाइम में अच्छा है। कर लीजिए मसाला लगेगा। ये पान का स्मेल आ रहा है यार, पान के पत्ते का स्मेल आ रहा है। पान जैसा स्मेल आ रहा है तो नो कैन टेल यू, किसी को पैक नहीं मिलेगा। तो जो पेड़ जो है ना, इसको इंग्लिश में ऑल स्पाइस कहते हैं। ओके, इसको हमारी भाषा में गरम मसाला बोला जाता है। जो हम लोग यूज करते हो अलग अलग मसाले से बनता है, लेकिन ये जो पेड़ है ना, गरम मसाला, इसको इंपोर्ट क्या है करीबियन से। और एक पेड़ ना फ्रूट देगा, छोटे छोटे बेरीज देता है काजू के टाइप, उसको निकाल कर पाउडर किया ना, वो एग्जैक्टली गरम मसाले जैसा दिखता है और गरम मसाले जैसा ही टेस्ट होता है। इसीलिए उसको ना नेचुरल गरम मसाला बोला जाता है, जो इम्पोर्ट क्या है करीबियन से। ओके, गरम मसाला तेजाना, तेजाना गरम मसाला महंगा होता है। तेजाना क्या? तेजाना, तेजाना मतलब वो अपने बात में ठीक है। नो नो नो, कितना रहेगा उसका रेट? तेजाना नहीं क्या? 3000 जो सबसे महंगा रहता है ना, वो लाखों में आता है। केसर, ओके, केसर जो होता है ना मसाला होता है, इट्स अ स्पाइस, ओके, लेकिन वो सिर्फ ना कश्मीर में होता है, इंडिया में, कश्मीर में और इंडिया के बाहर होता है, लेकिन ना गोवा में वी लाइक टू ग्रो दूसरा महंगा मसाला, एक्सपेंसिव होता है, वो गोवा में हो सकता है। कैन यू गेस? नो, क्या टेल यू, दूसरा जो होता है ना वो वेनिला होता है, ओके, वेनिला। तो ये फॉर एक पाम देख रहे हो, उसके ऊपर बेल चढ़े हुए देख सकते हो, सब पर है वो, देख सकते हो ना, वो वेनिला का ऑर्किड है। ऑर्किड मतलब ना वो पेड़ पर डिपेंड रहता है, जमीन पर नहीं, ओके, लेकिन इट्स नॉट पेरिशेबल। जब तैयार होगा ना, उसको 5 से 6 साल लगेगा पहला फ्रूट देने का। वेनिला देखा है आपने कभी, वेनिला का फ्रूट?